हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है इसमें हम सिक्स्थ की मार्किंग स्कीम, जो साइंस का पेपर आपका आज हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एक जो है हैबिटेट है, प्लांट्स एनिमल जिसमें रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम जैव घटक या बायोटिक फैक्टर कहते हैं। सेकेंड का आंसर आपका जड़ें या रूट हो जाएगा, जो कि क्या करता है, जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। थर्ड दिया गया है वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य या डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है, अभावजन्य या डेफिशिएंसी डिजीज। उसके बाद जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो क्या कहलाते हैं, उन्हें सुचालक या कंडक्टर कहते हैं, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। उसके बाद है जो ऑपेक ऑब्जेक्ट होती हैं, अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है, सही है या गलत है, तो ये गलत है। अगला सही हो जाएगा, सभी सजीव श्वसन करते हैं, और ऑल लिविंग जो है मैचस्टिक इज इंसुलेटर, तो ट्रू है, इंसुलेटर है। उसके बाद केवल चावल खाने से सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं क्या, तो ये फॉल्स रहेगा। उसके बाद है हैबिटेट रहेगी फ्रॉग की, क्या होगी, एक्वेटिक भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। राइट नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच वी कैन ऑब्टेन क्लियर इमेज, क्लियर इमेज हमें प्रकाश के परावर्तन के बाद किस में मिलेगी, दर्पण में मिलेगी, मिरर में मिलेगी। पत्तियों पर पाए जाने वाली रेखित संरचनाएँ यानी डिज़ाइन जो होता है उनको क्या बोलते हैं, लीव्स पे, तो उनको वेन्स कहते हैं, शिराए कहते हैं। उसके बाद एक कारण बताइए, जब एक विद्युत परिपथ में लगा विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त न हो रहा हो तो बल्ब जो है वो फ्यूज हो सकता है, बल्ब में भी फ्यूज। किस प्रकार के पौधे शाक कहलाते हैं, तो जो बहुत ही नाजुक तने वाले होते हैं उनको हाब कहते हैं, जैसे कोरिएंडर है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफरेंस लिखना था लिविंग और नॉन लिविंग में, तो लिविंग वो सांस ले सकते हैं, नॉन लिविंग सांस नहीं लेते हैं, वो मूव कर सकते हैं बट ये मूव नहीं कर सकते। हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जो भी सराउंडिंग होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म लाया करता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। मोटापे का कोई एक कारण लिखना है, वन रीज़न फॉर ओबेसिटी, तो क्या होगा, ईटिंग जंक फूड। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विच हैव देयर ओन लाइट, वन एग्जाम्पल लाइक फायरफ्लाई है, टॉर्च है। क्या हम किसी अंधेरे कमरे में जो है शेडो बना सकते हैं, डार्क रूम में, तो नहीं बना सकते, बिकॉज विदाउट सोर्स ऑफ लाइट शेडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट है Why should we keep precaution while using electric appliance? क्यों रखनी चाहिए, because electric appliances जो है use करते समय हमें current लग सकता है, we get shock, ठीक है, तो इसीलिए। Write any two organism of each reproduce while laying eggs, तो birds, insects, fish ये जो है egg lay करते हैं, जबकि birth कौन देते हैं, example दे सकते हो, cow है, human being है, ये जो है क्या करते हैं, जो है लेकर birth देते हैं young ones को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, देखिए ये हिंदी मीडियम में है और यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। प्रोटीन पनीर है, फिश है, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, राइस एंड पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ए ग्रीन वेजीज कैरेट में, नाइट ब्लाइंडनेस इससे डिजीज़ होती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, जब हम कोई न्यूट्रिएंट खाते नहीं है ना लंबे समय तक, तो उससे डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस है, बेरी बेरी है, स्कर्वी है। थ्री फंक्शन देनी है स्टेम के, तो सपोर्ट देता है, जो ट्रांसफ़र करता है जो प्लांट है उसके अंदर फूड को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ये सब लिखना था। विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक ओन फूड, तो लीफ हो जाएगा, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल चाहिए उसको खाना बनाने के लिए। उसके बाद देखिए एक विद्युत परिपथ में चित्र बनाइए, जिसमें ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको सैम्पल पेपर के थ्रू कराया था, तो इसमें क्या चाहिए हमें, जिसमें विद्युत सेल होगी, क्लियर, और उसमें जो है एक बल्ब रहेगा और ऑन स्विच जो है क्या रहेगा, ऑन रहेगा, तो स्विच इस तरह से ऑन करके ऐसे ये बनाना था। उसके बाद है इसके अंदर बी में हमें लाइट ज़्यादा दिखेगी, क्यों दिखेगी, क्योंकि जो लाइट है वो ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती है, इसलिए हमें ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ये पाइप जो है वो कैसी है, सीधी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 12 में आपको फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करना था, और में दिया गया है एक पौधे का चित्र बनाना जिसमें तना जो है वो सीधा हो, मूसला जड़ें हो, टैप रूट सिस्टम हो, जालिका रूप शिराविन्यास हो, तो इस तरह से हो, और खिला हुआ एक पुष्प हो, तो ऊपर जो है एक फूल आप दिखा देंगे। उसके बाद 13 क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी, फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का ए, थर्ड का ए। अथवा में दिया गया है फर्स्ट का आंसर आपका सी रहेगा, सेकंड का ए रहेगा, थर्ड का ई रहेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ का आपका ए रहेगा, और में जो दिया गया है उसका ए रहेगा, तो यहाँ से इसके आंसर आप मैच कर सकते हो। इसमें देखिए सीड जो नहीं है, डेट नहीं है, इसका फ्लावर रहेगा डी, न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन एंड विच ऑफ दिस प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट, तो रोज जो है वो विदाउट सीड प्लांट जो है बन जाता है। 15 का आंसर इसमें देखिए इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, हिंदी में देख सकते हो। एंड जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा, रूट ऑफ ग्रास आर फाइब्रस एंड स्टेम ऑफ प्लांट होल्ड सॉइल टाइटली एंड ग्रीन कलर जो है वो किसका में होगा, अडेप्टेशन होता है, जो ग्रास ऊपर जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है।
ये था स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट साइंस का पेपर सिक्स क्लास का। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है जैसे ही आती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।